आज के हमारे की वीडियो में जानेंगे कि शरीर में कैसे बात पित्त कफ मिलके इस शरीर के संचालन कराने कैसे लेख देखोला इस शरीर में ओकर बारे में जानेंगे। आप लोगों के थाबा इस शरीर में तीन दोष रहला बात पित्त कफ कैसे इस शरीर के रेख देख कराने बात पित्त कफ तीनों मिलके ओकर बारे में जानेंगे। आप लोगन के हम इस चीज बताए चाहत बाटी कि इस शरीर कैसे संचालन होला ओकर बारे में जाना जी। इस शरीर के चलाए वाला एक आत्मा हो, आत्मा भगवान हो, ये अमर रहला सदा के लिए अमर रहला। बाकी कैसे इस शरीर चलाला ओकर बारे में हमें जाना जी। इस शरीर चलाए खातिर बात पित्त कफ तीन दोष अनिवार्य रूप में चाहला। अब तीन दोष की कैसे बना बा ओकर बारे में बता दिलवाटी। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये पांच तत्व से बनल बा। ओकर बारे में पहले वीडियो हम अवश्य देख रहल छी। ई वीडियो आप कैसे शरीर में इस शरीर कैसे काम कर लब बात पित्त कफ के माध्यम से आप लोगन खावा ये मुँह हो गेल, यहाँ से आप खाना खाए जी। चपैनहा काम बात करावा, चंचलता के स्वभाव जितना भी चलैनहा काम बात के दोष काम करला, अर्थात बात चबाई वाला काम करला, वैसन ही यहाँ समान न्यायिक काम भी वायु करला वह बात। ओकर बाद यहाँ जब अग्नि अग्नि प्रदीप करे वाला पित्त करला, पित्त के चलते यहाँ से आपके जो खाना खाए गए वो पचल, इस शरीर में जितना भी पाचन क्रिया गति प्रवाहन करे काम पित्त करावला, आपके शरीर में गर्माहट के काम पित्त करावला और सबके गर्मी देह काम पित्त करावला और पित्त के चलते इस शरीर में गर्माहट हो जाला, आपके शरीर में गर्म हो जाला और गर्मी हुई लेना तो इस शरीर के सबके संचालन काम पित्त करला और कहने से जौन जौन रस निकला उसे जब बनला वो कफ बनाला। आप लोगों के खावा यहाँ से जब जूस के लेके जाए तो उस शरीर में शरीर के सेल्स के अंग दें वो कहने के विकास के काम करे के कफ दोष के काम होला, आपके शरीर में आपकी वृद्धि करे विकास करे शारीरिक मोटापा बनाए कि सब कफ दोष काम करला, आपके हाइट बढ़ाए आपके शरीर में यदि कफ दोष हो जाए तो आपके शरीर ज़्यादा हाइट वन रही मोटा रही, आपके दिमाग में शीतलता रही, इकुल में शीतलता के काम करे वाला कफ दोष हो। ऐसे ही तीनों दोष हरेक व्यक्ति में रहला, क्यों हम ज़्यादा रहला क्यों हम थोड़े रहला, बस रहे हरेक हरेक व्यक्ति में रहला। आप लोग देख सकते हरेक मनुष्य के लिए यदि कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाए तो आपकी कितनी कमजोर रहा उस समय कैसे ज़्यादा मोटा रह लेकिन आते आपके वायु उस समय कम रहला, कफ ज़्यादा रहते वायु कम रही ओकर बाद किडनी कम कमजोर रहला, कितनी ज़्यादा नहीं निकाल सकला, कितनी में से जितना भी आपके ब्लड में कचरा पाओ के बाहर निकाले काम कितनी करला कितनी कैसे संचालन होला वायु बात प्रवृत्ति के व्यक्ति में कितनी ज़्यादा निकाला अर्थात पेशाब ज़्यादा निकलला बात प्रवृत्ति में एक एक से पेशाब कर जाते बस पित्त प्रवृत्ति में जलन वाला पेशाब वाला कम प्रवृत्ति में टाइम अर्थात थोड़े पेशाब निकलला। आप लोग जान सकल जी वीडियो मार्फत वही नाते पित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति में ज़्यादा जलन पैदा होला, कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति में ज़्यादा शीतलता रहला अर्थात शरीर मोटा रहला, बात प्रवृत्ति के व्यक्ति दुबलापन रहने कहती वो कहें कि मिशिंग यहाँ पे मिशिंग भी हल्का कमजोर रहला कहें कि पित्त कमजोर रहने से वहाँ से जो किसी के तथा के निकालना पड़ना हो उतना नहीं निकाल सकला। कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति में यहाँ बिल्कुल अच्छा रहला शीतलता रहला दिमाग भी ठंडा रहला वो कहने ज़्यादा गुस्सा नहीं रहला
ओकरे शांत स्वभाव पर हाने कब प्रवृत्ति के व्यक्ति लोग मन कित प्रवृत्ति को गर्म रही ते कब प्रवृत्ति के शीतलता रही बात प्रवृत्ति के व्यक्ति लोग मन चंचलता रही जात चंचल रही एक एक छिन्न में ओकरन के दिमाग में चलते रही कथी कथी चली था ही नहीं कहना वही नाते आप लोग मन के ये वीडियो मारता था हम कुछ देर था कर रही कित प्रवृत्ति के व्यक्ति में एक कुल में सब जलन पैदा हो जाला वही नाते असर संबंधी हो गला अब बात प्रवृत्ति में बिल्कुल सब कमजोर रहला या कब प्रवृत्ति में आप लोगों इस मोटापा आ जाला इमी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाला आपकी स्मॉल स्टैंड लार्ज स्टैंड ज़्यादा मोट हो जाला टोन भी बाहर निकल जाला कब प्रवृत्ति में बिक प्रवृत्ति में असर भी हो सकल प्रवृत्ति में बात प्रवृत्ति बिल्कुल सब कमजोर रही है अर्थात एक शरीर में बात पित्त तीनों मिलकर काम करने है अगर तीनों नहीं रही तो इस शरीर के निर्माण नहीं हो सके उहे क्यों बात तत्व तो ज्यादा रहला क्यों पित्त तत्व तो ज्यादा रही क्यों कफ तत्व तो ज्यादा रही बस उहे अनुसार के इस शरीर के निर्माण होल बा अब क्यों बराबर रही तो बाहुबली होकर रही हर एक काम में तगड़ा रही चंचल रही अग्नि तत्व भी रही पृथ्वी तत्व रही दिमाग भी अच्छा रही ओकरे हरेक काम अच्छा से कैलन है और नाम भी अच्छा वालन है आप लोग देख सकल जी और अपन ज्ञान अपन डॉक्टर खुद बना जा और अपन शरीर के भी रक्षा कर जा आज के लिए बस इतना दूसरा वीडियो अवश्य लेके आऊँ।